नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की रैली से लौट रहे युवक की मौत। मकसूदनगढ़ से अपने गांव जा रहे युवक की सड़क हादसे में मौत। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक अपने दोस्तों के साथ गुना से अपने गांव जा रहा था, लेकिन कोई साधन न मिलने के चलते उसने मकसूदनगढ़ में उतरना ठीक समझा। मकसूदनगढ़ से अपने गांव बारोद जाते समय पीछे से आ रही एक मोटरसाइकिल ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके दोस्त उसे जिला चिकित्सालय लेकर आए, लेकिन तब तक डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक का पोस्टमार्टम जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है। इधर से जाते वक्त हम मकसूदनगढ़ तक हमें बस मिल गई। बस मिलने के बाद हम मकसूदनगढ़ से पैदल जा रहे थे 9-10 बजे करीब। उस समय वहाँ पहुँचे रास्ते में वाइफ ने आके पीछे से ऐसा टक्कर मारा, तो हमारा साथी हमारा भाई वो खत्म। क्या नाम था भाई का? उसका नाम था। कौन से गांव के हो? बारो। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में जिला चिकित्सालय में आयोजित की गई एक कार्यशाला एवं मानसिक विकृतियों के बारे में प्रश्नोत्तर कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लोगों ने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए डॉक्टर भाटी से मनोवैज्ञानिक एवं मानसिक बीमारी के बारे में प्रश्न किए, जिनका जवाब डॉक्टर भाटी ने सभी लोगों को दिया। अमेरिका के अंदर सबसे बड़ी हेल्थ प्रोडक्ट डिलेंसिया है, क्योंकि डिलेंसिया में नर्सिंग केयर की घाट है और उसका कोई घाट नहीं। मेमोरी है वो पेपर खत्म हो जाती है। जब वो खत्म हो जाती है तो व्यक्ति के दिमाग से दिन सप्ताह महीने साल गायब हो जाते हैं। घर में घंटे बाद घटनाओं को ध्यान नहीं ले पाता है और जहाँ तक को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की रैली के दौरान जिस तरह से आचार संहिता का उल्लंघन किया गया एवं उसके बाद भी प्रशासन अपनी आंखें मूंदकर मौन स्वीकृति देता रहा, इस संबंध में आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने शिकायती आवेदन जिला कलेक्टर को सौंपा। इस आवेदन में मांग की गई कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री अनिल जैन ने अधिकारियों के साथ बदसलूकी की है, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जानी चाहिए एवं उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए एवं आचार संहिता के साथ शहर में धारा 144 लगे होने के बावजूद भी बसों में भर भरकर शहर के बाहर से लोगों की भीड़ इकट्ठा करने के लिए लाए गए थे, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं इस आवेदन में यह भी मांग की गई कि जिस तरह से सरकारी संपत्ति के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के बैनर एवं पोस्टर लगे हुए थे, उसको लगाने वालों पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए एवं FIR दर्ज होनी चाहिए। वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि यदि जिला कलेक्टर कार्रवाई नहीं करते तो उन्हें मजबूरन चुनाव आयोग की शरण में जाना पड़ेगा। आपको बता दें कि कल अमित शाह की रैली गुना में आयोजित की गई थी, जिसमें गुना जिले के बाहर से कई लोगों को बसों द्वारा लाया गया था। साथ ही जब डिप्टी कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए सरकारी इमारतों से बैनर एवं पोस्टर हटाए, तभी भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री अनिल जैन ने उन्हें देख लेने की धमकी दी। साथ ही यह भी कहा था कि चुनाव के बाद उन्हें यहाँ नहीं रहने देंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा एक्चुअली में ज्ञापन नहीं, ये शिकायती आवेदन है। कल जो अमित शाह का रोड शो हुआ गुना के अंदर, उसको लेकर खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन किया, उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई, 200 बसों से लोगों को ढोकर के लाया गया, हजारों की संख्या में झंडे फहराए गए, झंडे लगाए गए और बाइक से लोगों ने रैलियाँ निकाल करके आचार संहिता का उल्लंघन किया। और कल जिस प्रकार से शासकीय संपत्तियों के ऊपर जो झंडे बैनर भाजपा के लगाए गए, उसको लेकर हमने कल कलेक्टर महोदय को एक आवेदन दिया था, जिस पर से इन्होंने कार्रवाई की। उस कार्रवाई से विचलित होकर के घबरा करके भारतीय जनता पार्टी के अनिल जैन, जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, और DD BD शर्मा, इन लोगों ने डिप्टी कलेक्टर महोदय के महोदया के साथ में अभद्रता की, उनके और गालियों का उपयोग किया और तमाम प्रशासन को देख लेने की धमकी दी है कि हम देख लेंगे इनको चुनाव के बाद ही कैसे रहते हैं। तो इसको लेकर के आज हमने पुनः कलेक्टर साहब को एक आवेदन दिया है कि आप इनके खिलाफ FIR दर्ज करें, उनको गिरफ्तार करें, क्योंकि आचार संहिता जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए समान होती है। इस समय प्रशासन को मुस्तैदी के साथ में
निष्पक्ष होकर के कार्रवाई करना चाहिए। अगर इन्होंने कार्रवाई नहीं की तो हम निर्वाचन आयोग भोपाल और निर्वाचन आयोग दिल्ली को भी लेटर लिखेंगे और इस पर कार्रवाई की हम मांग करेंगे। इसी को लेकर के आज हम कलेक्टर महोदय से मिलेंगे। कल जो प्रारंभिक कार्रवाई थी मौके पे जहाँ जहाँ उनको करना था अधिकारियों ने जहाँ की टाइम लिमिट थी उन्होंने उसमें किया, उसके बाद वीडियोग्राफी कल हुई है हर जगह पे, आपकी तरफ से भी कई जानकारी हमें मिली, तो उसमें ECI को एक रिपोर्ट जानी है, वो आज हम ECI को भेजेंगे। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को हमने ऑलरेडी इस बात की जानकारी दे दी है और ब्रिटेन में हम उनकी जानकारी भेजेंगे कि कहाँ कहाँ उल्लंघन हुआ है, और जहाँ उल्लंघन हुआ है नगरपालिका की प्रॉपर्टीज में संबंधित अधिकारियों को हम शोको नोटिस इश्यू करेंगे उसका जवाब। प्रशासन के साथ बदतमीजी करना इस तरह जो प्रशासन के अधिकारी उन लोगों से कुछ नेताओं ने अभद्रता की है तो उसके बारे में आप नेताओं ने आपने वीडियो में देखा होगा काफ़ी स्पष्ट और क्लियर है, उन्होंने अपनी बात रखी है, अधिकारी ने अपनी बात रखी है, वो दोनों ने अपनी अपनी बात रखी है, बट अभद्रता जो दूसरा वीडियो था वो वीडियो में जो अधिक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव फ़ोन पे बात कर रहे हैं वो जिला प्रशासन के किसी भी अधिकारी से उनकी बात नहीं होगी, वो अपने किसी और से चर्चा कर रहे हैं, अभद्रता का व्यवहार ऐसा कुछ नहीं हो, उन्होंने अपनी बात रखी है। और जहाँ तक जो दूसरा वीडियो है उसको जो संज्ञान में आया जिसमें डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन मशीनरी के खिलाफ उन्होंने कुछ बोला है उसकी रिपोर्ट हम आज कांताराव साहब को CEO साहब को भेजें। निर्वाचन को बता दिया इस तरीके सर जो कल हुआ है पूरा मामला? हाँ बिल्कुल बताया, सभी को जो संज्ञान में ले आए हैं हम आज रिपोर्ट में लिखित में। तो नगर पालिका जो परिसीमा में जो उसकी बिल्डिंग है सरकारी गैर सरकारी और सरकारी तो उसमें CEO को कुछ वही मैंने आपको बताया ना, उनको हम शोको नोटिस इश्यू करेंगे, उनका जवाब लेंगे और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। सर बसों का उपयोग किया है कल पार्टी ने सर, वो भी लगातार ये जानकारी हमें मीडिया रिपोर्ट से ही मिली है, तो हम संबंधित MCC के जो नोडल अधिकारी हैं उनसे रिपोर्ट मांगेंगे और ऐसी बात है तो उसमें पार्टी को नोटिस दिया जाना है वो दिया जाए। मतदाताओं को जागृत करने के लिए एवं अधिक से अधिक मतदान कराए जाने को लेकर जिला कलेक्ट्रेट में आज एक लोगों का विमोचन किया गया, जिसके जरिए जगह जगह जाकर यह बताया जा सकेगा कि लोग अपने मतों का प्रयोग कैसे एवं ठीक ढंग से कर सके। वहीं ऐसी जगह जहां पर पिछली बार कम मतदान हुआ था उन लोगों को भी प्रेरित किया जाएगा कि कैसे अधिक से अधिक मतदान करें। जिला कलेक्टर विजय दत्ता ने बताया कि ऐसे करने के पीछे मकसद लोगों को जागृत करना है जो अधिक से अधिक मतदान कर सके। इसी कड़ी में शुभंकर का भी अनावरण किया गया। इस मौके पर जिला पंचायत CEO नीतू परमार, जिलाधीश विजय दत्ता एवं अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। आज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बहुत ही खुशी का विषय है कि आज हमने अपने जिले का विधानसभा निर्वाचन 2018 हेतु हमारे जिले का जो मैस्कॉट है वो लॉन्च किया है। इसकी परिकल्पना इस प्रकार से है कि ये हमारे हमें ये पता है कि ये हमारे जिले का वोटर है, जिसे हमने एक सुपर हीरो की तरह प्रस्तुत किया है। सुपर हीरो की तरह प्रस्तुत करने का उद्देश्य ये है कि क्योंकि हम जानते हैं कि ये सामान्य व्यक्ति है लेकिन इसके हाथ में इतना पावर है, इसके वोट में इतना शक्ति है कि ये अपने पूरे जिले की बल्कि पूरे भारत का जो भी वोटर है पूरे देश की तस्वीर बदल सकता है। विधानसभा निर्वाचन के विषय में यही बताना चाहूँगी मैं कि इस बार हमारा जो मतदान निर्वाचन है वो हम लोगों ने जो दिव्यांग हमारे भाई बहन है उनके लिए बहुत फ्रेंडली बनाने की कोशिश की है। इसके लिए हम लोगों ने ये किया है कि हमारे जिले के जितने भी मतदान केंद्र हैं वो सभी क्यूलेस रहेंगे, यानी उन सभी पे एक शेड और कुर्सियाँ की व्यवस्था होगी जिससे कि इनको लाइन में ना खड़े रहना पड़े। जो
पटना जिले में कई प्रकार के एफर्ट्स हम कर रहे हैं। आज की खास बात यह है कि आज हमने गुना जिले में मास्किट एक रिलीज किया है, जिसको हमने वोटमैन का नाम दिया है। इसके साथ ही बहुत ही जल्द हम अन्य मास्किट भी रिलीज करेंगे। आशा ये है कि लोगों को प्रेरित करने के लिए एक सिंबल हो जो हर प्रकार के हर सेक्टर के हर समुदाय के लोगों को अट्रैक्ट कर सके, और जितना हम अलग अलग एक्टिविटीज़ करेंगे उतनी ही जागरूकता बढ़ेगी। रिसेंटली हमने अक्टूबर 2 तारीख को सभी को एक साइकिल रैली करवाई थी बजरंगगढ़ के लिए, यहाँ से लगभग 9 किलोमीटर तो सभी को टी शर्ट दिए थे। उसमें भी एक मतदाता जागरूकता का ही मैसेज हमने दिया था कि वोट देना दोष मत देना। उसी कड़ी में ये दूसरा एफर्ट है। आने वाले दिनों में हम ब्लॉक लेवल पर जहाँ जहाँ पिछले बार कम वोटिंग हुई थी उस हर एक उस मतदान केंद्र में कैंप्स अलग अलग लेवल पर करेंगे, क्लस्टर लेवल पर, और ख़ास करके महिला वोटिंग क्योंकि जिले में कम रही है और महिला वोटर भी संख्या रही है, उसके लिए तो वोटर जोड़ने की पूरी प्रक्रिया सतत चलती रहेगी चुनाव के नाम निर्देशन पत्रों के तक। और उसमें जहां वोटर वोटिंग प्रतिशत कम रहा है वहां पे हम लोग फोकस करके उस ग्राम पंचायत के आंगनवाड़ी सहायता समूह और आशा और इन सभी लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करके लोगों को मोटिवेट करेंगे कि वो जाए अपना मताधिकार उपयोग करें। इसके अलावा सर जो आदर्श मतदान केंद्र उनके लिए क्या सुविधा है, मतलब कहाँ सीनियर सिटीजन हुए, वृद्ध लोग हुए, जिले में 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है, चारों विधानसभा क्षेत्रों में एक एक आदर्श मतदान केंद्र बनाने का निर्णय NCI ने जारी किया था, अनाउंसमेंट में आप सभी लोगों ने सुना होगा। हम उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जिले में मिनिमम 5 हम हर जगह पे करवाना चाहें हर मतदान क्षेत्र में। तो जिले के CEO जिला पंचायत और डिप्टी DO के नोडल अधिकारी उन्होंने जिम्मेदारी ली है, और बहुत ही जल्द जिले के अंदर कलेक्ट्रेट परिसर में भी एक आदर्श मतदान केंद्र का एक मॉडल हम तैयार करके बनाएंगे, जिससे कि लोग जो यहाँ आते हैं आवेदन देने के लिए किसी प्रकार के काम से वो भी देख सकते हैं कि किस तरह से मतदान केंद्र होता है और किस तरह से मतदान किया जाएगा। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर किया पति का कत्ल। ग्राम परांठ में कुछ दिन पूर्व हुए युवक की हत्या के बाद पुलिस ने उसके हत्यारों को खोज निकाला। 21 सितंबर को रामलाल की मृत्यु बमोरी के परांठ गांव में हुई थी। इसके बारे में उसकी पत्नी ने बताया कि पति के सीने में दर्द होने के बाद अचानक ही उनकी मृत्यु हो गई। इस कहानी पर पुलिस को शुरू से ही विश्वास नहीं था। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भिजवाया, जहाँ उसके गले की हड्डी को टूटना बताया गया। गले की हड्डी तभी टूटती है जब गला दबाया गया हो। पुलिस ने बारीकी से जाँच करने पर पता लगा कि हत्या करने में पत्नी का प्रमुख योगदान है। वहीं अपने शक को पुख्ता करने के लिए पुलिस ने पत्नी से पूछताछ की, जिसमें वह टूट गई और उसने बताया कि पति TV का मरीज था और दिन भर अपने भाई के घर रहता था, वहीं रात में केवल अपने घर पर ही आता था। इसी बीच पत्नी का अपने पड़ोस में रहने वाले एक युवक से प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। हत्या की रात को रामलाल ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को साथ में देख लिया था, जिसके बाद रामलाल की हत्या कर दी गई। रामलाल की मृत्यु हुई थी। ये मामला थाना भमोरी गांव पनाट का है। उसमें जो है प्रथम दृष्टया उसकी पत्नी द्वारा ये बताया गया था कि उसके सीने में दर्द हुआ है, और उसके बाद जब तक अन्य परिवार वालों ने आके उसको देखा तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। इसमें जो है जब हमने डॉक्टरों की टीम से जाँच कराई तो ये पाया गया कि उसके जो है गला दबाकर उसकी जो है मृत्यु हुई है। इसके बाद जो है भमोरी पुलिस ने पत्नी से और आसपास के लोगों से पूरे गांव से पूछताछ जब करी तो ये बात निकल के आई कि पत्नी का एक अवैध संबंध थे राकेश नाम के व्यक्ति से, और घटना वाले दिन जो है इन दोनों के द्वारा उसके जो है गला दबाकर हत्या करी गई है। दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। आरोपी कौन कौन है? आरोपी इसमें मृतक की पत्नी और इसमें जो राकेश नाम का व्यक्ति वो भी उसी गांव का है, दोनों आरोपी हैं। आज से शुरू हुए शारदीय नवरात्र, जगह जगह हुई घट स्थापना। आज से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो गए हैं। बाजार में जहां देखो वहां माता रानी के श्रृंगार का सामान लेते हुए लोग नजर आए, एवं मूर्ति कलाकारों के यहां भी मूर्ति लेने वालों की भीड़ देखी गई। वहीं माता रानी की मूर्तियां ले जाने के लिए लंबी कतारें मूर्ति कलाकारों के यहां देखी गई, जिसका सिलसिला रात भर चलता रहा। वहीं सुबह से ही मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भीड़ भी देखी गई।
नवरात्रि महोत्सव को लेकर शहर भर में उत्साह का माहौल नजर आ रहा है। 10 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाले नवरात्रि महोत्सव को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शहर भर में नवरात्रि महोत्सव को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और शहर भर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। जगह जगह माता रानी की मूर्तियां विराजमान की जाती हैं। यहां बता दें कि पिछले कई वर्षों से पुराना बस स्टैंड जवाहर मार्ग समिति द्वारा माँ दुर्गा की प्रतिमा विराजमान की जाती है। शहर भर में कई जगह माता दुर्गा की मूर्तियों को विराजमान किया जाता है। नगर में कई स्थानों पर आकर्षक एवं सुंदर प्रतिमाओं को विराजमान किया जाता है। 9 दिनों तक चलने वाले नव दुर्गा महोत्सव में भजन संध्या, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि भी संपन्न किए जाते हैं। आरोन से हमारे सहयोगी मिथुन शर्मा की रिपोर्ट। डीजीएन न्यूज में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।